हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज 29th अक्टूबर, अभी का सीन है, आज है संडे, तो हम लोग लेट उठे हैं थोड़ा सा। दीदी का फोन आया, दीदी आ जाती हैं सैटरडे संडे में, अपने टाइम पे आती हैं, तो मुझे रिंग कर देती हैं, चुपचाप गेट खोल के वापस हो जाती है, अपना सब काम करके चुपचाप चली जाती हैं, दूध वगैरह सब गर्म करके चली जाती हैं। और गौरव गए हुए अपना क्रिकेट खेलने के लिए, मैं जिया बिरू है घर पे, गौरव तो जल्दी उठ के अपने निकल गए थे, हम लोग ही सो रहे थे कुंभकर्ण की तरह, संडे एंजॉय कर रहे थे। और अभी वीरू मेरे बैक कैमरा वीरू खड़ी है, वो दिखाना चाहती है आप लोगों को एक्सरसाइज, तो अब आप देखो उसकी एक्सरसाइज। मुझे बोल रही है मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चेयर्स, वाओ वेरी नाइस। और ओ ब्रिज, वाओ वीरा बहुत अच्छा कर रहे हो। टेबल, अच्छा अच्छा टेबल, सॉरी सॉरी टेबल। हाँ, और स्प्लिट, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। इधर आओ, सब लोग ऐसे बोलते हैं वीरू बहुत अच्छी बातें करती है, सब आपको अच्छा बोलते हैं। बोले मैं हूँ ही अच्छा। आहो, फ्लाइंग किची। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफी, जिसको मैंने चीनी और पाउडर डाल के और थोड़ा सा गर्म पानी, इसमें मैंने गर्म पानी किया था, डाल के काफी फेटा, तो अब ये देखो इस टेक्सचर में आ गई है, देखो एकदम है ना क्रीमिश कलर हो गया और एकदम है ना गाढ़ी गाढ़ी हो गई। अब इसका ना सिर्फ दूध डालना है, तो दूध मैंने गर्म कर लिया है और यहाँ बनेंगे छोले। तो यहाँ मैंने छोले की तैयारी कर ली है, रात को भिगो दिए थे और लहसुन भी भिगो के रखा था अभी थोड़ा टाइम पहले, तो अभी छीलने में मेरे को ईजी रहेगा, नहीं तो मेरे से लहसुन नहीं छीलता बिल्कुल भी, नाइफ लेके छीलना पड़ता है। तो अभी अपने लिए बनाते हैं कॉफ़ी, मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। पहले मैं सिंपल तरीके से बनाती थी, अब इसको ऐसे तरीके से बनाती हूँ ना तो काफ़ी अच्छी बनती है, टेस्ट ही एकदम ही अलग हो जाता है, ऐसे क्रीमिश क्रीमिश टेस्ट आता है। अरे अरे अरे, पूरी स्टीम है ना फ़ोन पे आ गई। ओए, पूरी स्टीम कैमरे पे आ गई, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट एकदम वाव वाला हो जाएगा। तो मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, उसके बाद में लंच की प्रिपरेशन करूँगी, ब्रेकफास्ट ही बनाना है, पर वो गौरव आएंगे तभी बनाना है, कि पता ही नहीं पड़ रहा कब आएंगे, कोई फ़ोन वोन तो कर नहीं सकते, ग्राउंड में रहते हैं, फ़ोन साइड में रहता है, तो सोचा है सैंडविच बनाऊंगी, वेज सैंडविच, आ जाए एक बारी, अगर टाइम से आ गई जब तो ब्रेकफास्ट का टाइम रहेगा, नहीं तो सीधा लंच, क्योंकि अभी भी 9:30 तो हो गया है। क्या लाए हो आप? कौन लाया? अंदर आ जाओ, यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, हैवी है तो इधर लाके रखो। अरे बेड गंदा हो जाएगा, बोल रही बेड गंदा हो जाएगा। गौरव आ गए, मेरी कॉफी फिनिश नहीं हुई, गौरव आ गए तो ब्रेकफास्ट बनाएंगे, और गौरव आते आते कोकोनट वाटर लेकर आए। तो यहाँ मैं आ गई किचन में और सैंडविच की तैयारी स्टार्ट कर दी, ककुंगर टमाटर और प्याज निकाल के डाला और एक हरी मिर्ची मैंने उसके अंदर कट करी। यहाँ मैं लगा रही हूँ ब्रेड के ऊपर बटर, बटर अभी फ्रीज से निकाला है इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइट है, धीरे धीरे स्प्रेड हो गया है, इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने मिक्सचर बना के और इसमें सांचे में रख दिया है, मिक्सचर मैंने मलाई के अंदर बनाया, मायोनीज के अंदर नहीं बनाया, मलाई के अंदर भी काफ़ी अच्छा लगता है, मायोनीज इतनी हेल्दी भी नहीं होती है, और इसके अंदर ये जो मैंने सांचा दिखाया इसके अंदर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बाकी है ना मेरे पास सैंडविच मेकर भी है पर मैं उसके अंदर नहीं बनाती, इसके अंदर अच्छे से सिकाई भी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने सेकंड सैंडविच की तैयारी कर ली और उसको भी मैंने बनाना चढ़ा दिया है, और जब ये ब्रेड को इसके अंदर रखते हैं तो दोनों तरफ से इसके ऊपर घी या बटर लगा दें जिससे अंदर चिपके नहीं। यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस डाला और गौरव को सर्व कर दिया। तो गाइस हम पार्टी कर ले। ओ नीचे कर नीचे कर नीचे कर, स्टॉप, नीचे कर सीधा, तो बैठ बेटा, तो उसको तो पूरा नीचे है पानी, तो आया मम्मा, तो आप छोड़ो, आप ना उसको स्ट्रॉ को नहीं पकड़ो, आप सीधे बैठो एक तो, पहले मेरे को तो इतना हैवी लग रहा है ना अभी, अब आप पियो, अब आ रहा है, आया पार्टी, तो फ्रेंड्स अभी का सीन ये है, टाइम हो गया है 7:30 और काफ़ी देर मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मैं बिजी हो गई थी। मेरा वेट वेट वेट
मैं बिजी हो गई थी, एक मेल गौरव ने मुझे बताया दिया कि इनको हेलोविन के लिए 31st को हेलोविन गेटअप में भेजना है, तो उसी में मैं बिजी हो गई, सारा उसी में मेरा दिमाग चल गया कि क्या करना है कैसे करना है, सारा टाइम मैंने उसी में निकालती थी, अपना वही सामान अरेंज करते करने में मेरा पूरा टाइम निकल गया, तो मैंने कोई शूट नहीं करा। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ जो वेस्ट कॉलोनी है दूसरी, उसमें जा रहे हैं, वहाँ पे है सत्संग, तो वहाँ का इन्विटेशन है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, डिनर भी उधर ही है, तो किशन भगवान का सत्संग है, कोई दामोदर आरती होती है तो वो है, तो हम उसी के लिए रेडी हुए हैं। चिया वीरू भी जा रही है, गौरव भी जा रहे हैं, और लड्डू का भी इन्विटेशन है, तो लड्डू भी जा रहे हैं। क्या क्यों पहननी है? क्योंकि मम्मा ने पहन रखी है इसलिए देख ली, इसलिए है ना। चिया हेलो कर दो सबको। धीरे धीरे बोलती है वीर, तो जल्दी जल्दी बोलती है अपना स्लो मोशन में, सॉफ्टली सॉफ्टली बोलती है, तो अभी इसने करते हैं जल्दी से। तो यहाँ हो गया 31 अक्टूबर, हेलोविन का दिन आ गया है, मैं चिया जल्दी जल्दी किचन में आई और जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे को चिया वीरू के मेकअप करने में काफ़ी टाइम जाता, उन दोनों दो दो बच्चों का मेकअप करने में वैसे ही बहुत टाइम जाता, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है हेलोविन के लिए, पहले कभी भी स्कूल में नहीं गई, और मैंने बनाया है चिया वीरू के लंच में आलू के पराठे, तो इनके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि बड़ा पराठा पूरा रखती हूँ तो इनको खाने में नहीं आता, क्योंकि अभी मैं ही खाना खिलाती हूँ इनको घर पर, इनके छोटे छोटे करके रखती हूँ तो ये इजीली खाकर आ जाती हैं, तो पराठे के साथ में मैंने रख दिया था सॉस और एप्पल, देखते हैं खाकर आती है नहीं खाकर आती, पर थोड़ा बहुत तो खा के आने लग गई हैं, ऐसा नहीं पूरा का पूरा ही वापस लेके आती है, थोड़ा खाकर आती हैं। अब मैं यहाँ बनाऊंगी बनाना शेक तीनों के लिए, तो जल्दी से बनाना शेक बनाते हैं, फिर उन दोनों को उठाऊंगी, गौरव तो उठ गए, और यहाँ मैंने दूध की मलाई भी निकाल ली है और बनाना शेक बनकर रेडी है, तीनों को गिलास में डालते हैं और फिर उनको उठाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मेरे को जल्दी उठाना है डेली के टाइम से, उनको थोड़ा मतलब आधा घंटा पहले उठाने वाली हूँ आज, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा इतना ज़्यादा। यहाँ बनाना शेक बन गया है और मैंने साथ साथ सफाई भी कर दी है, लग नहीं रहा कि रोटी बनी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। आज है 31st ऑफ अक्टूबर, अभी का सीन ये है, आज है हेलोविन, तो चिया वीरू की स्कूल में इनको स्कैरी बन के जाना था, स्कैरी कैरेक्टर में, तो मैंने इनको रेडी कर दिया, सुबह सुबह भी बस स्कूल के लिए रेडी हो ही गई है। ये चिया का हेयर बैंड है, चिया वीरू वीरू जल्दी आ, इधर बेटा, डरा दो सबको। ये इसके पीछे डालो ना, ये इसके पीछे वीर, धीरे से पकड़ना हैंडल को, नाइफ को पकड़ लो, धीरे से पकड़ो, ऐसे कभी करो, हैंड ऐसे करो, वाह वाला उधर से तो पकड़ो, वन हैंड से पकड़ो, डराना मत फ्रेंड्स को ज्यादा, है ना, नहीं ज्यादा नहीं डराना, अच्छा ठीक है डरा लेना, इधर देख तो वीरा, इधर देख तो आ गई उन दोनों को छोड़ के नीचे, और इसको मैं थोड़ा बहुत तो सेटअप कर दिया है, पूरा सोफे पे बिखरा हुआ था तो इनको पूरा एक जगह कर दिया है, इन सबको ठिकाने लगाएंगे कलर्स से जो इनको मैंने करके भेजा है, ये इनका बास्केट हमेशा रेडी रहता है जिससे ये मॉर्निंग में रेडी होती है खाली स्कूल जाते वक्त, और ये इनके रबर्स, तब इनको सबको सामान को हटाते हैं, और दीदी आ गई है काम करने के लिए, और ये देखो एक्स्ट्रा जो हमारे निकले वाइप्स का कचरा पूरा, जो कभी खराब हो रहा था मेकअप कभी सही हो रहा था, तो वो सारा का सारा निकाला है तभी। तो फ्रेंड्स अभी का सीन ये है, अभी होगी इवनिंग और चिया वीरू को जाना है हेलोविन पार्टी में, तो मैं उसके लिए रेडी कर रही हूँ, और उसी के लिए पूरा सब कुछ सेटअप लगा हुआ है, वीरू थोड़ी सी रेडी हुई है, पूरी रेडी करके
फिर दोनों का लुक दिखाती हूँ। मेरे को भी वहाँ पे जाना है, घर को भी मैं थोड़ी लाइटिंग लगाई है क्योंकि सारे बच्चे इधर भी आएंगे। बाकी की अपडेट मैं आपको बाद में देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं भी रेडी हो गई हूँ, एक मकड़ा मैंने भी बना लिया है और ये व्लॉग मेरा 3 दिन से चल रहा है, आज इसको एंड कर दूंगी हेलोवीन को दिखा के। बीच में कुछ मेरे पास था नहीं शूट करने के लिए तो मैंने एक दिन कुछ भी नहीं करा, बीच में कोई शूट नहीं करा। अभी चेवीरू रेडी हो गई तो मैं उनको दिखा देती हूँ। बेटा खड़े होके दिखाओ, ये देखो ये म्याओ, ये भी चीकू ये नहीं बात करी, बोलो बेटा हेलो बोलो। ये देखो चीकू का मेकअप, मॉर्निंग में मैंने दूसरा मेकअप किया था, अभी मैंने दूसरा मेकअप किया है। और ये देखो इसकी पोनी, और ये वीरू की पोनी, ये मेरी मॉर्निंग बनाई थी वही पोनी इसकी वापस से बनाई है, खाली उसकी वैसी की वैसी थी। एक बार घूम के दिखाओ बेटा जल्दी सी, वाह। और घर को भी मैंने लाइटिंग कर दिया, बेटा लाइट ऑफ करो उधर से, जल्दी से लाइट ऑफ करो, सबको दिखाते हैं कैसी लाइटिंग करी। अभी बच्चे आएंगे ना तो अच्छा लगेगा, स्मोकी स्मोकी सा काफी अच्छा लगेगा, तो इससे सारी लाइटें ऑफ कर दी। बेटा वॉली तो ऑन कर दो, ज्यादा लाइटें ऑफ हो जाएंगी ना, इनके सारे फ्रेंड्स आएंगे अभी, इनके सारे फ्रेंड्स आएंगे अभी ट्रीट लेने के लिए। तो अभी नीचे चलते हैं, जिनके यहाँ पे इन्विटेशन है उनके यहाँ पे चलते हैं, वहाँ का देखते हैं और आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो यहाँ सारे बच्चे मेरे घर आए थे ट्रीट लेने के लिए, तो गौरव ने मेरे लिए इसको शूट करा था। तो फ्रेंड्स अभी का सीन ये है, मैंने लगाई है मेहंदी क्योंकि कल है करवा चौथ, तो दोनों हाथों में मेरी मेहंदी लग चुकी है। मैंने मेरे पास में फ्रेंड रहती है उनसे हेल्प ली, तो मेहंदी लग गई। टाइम हो गया 11 o'clock, कुछ या नहीं सोई है, वीरू सो गई है, और आज के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।